हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। टुडे वीडियो टॉपिक इज हु टू सेल्फ क्लिक ऑन एड्स द रॉट डायरेक्ट क्लिक। ओके, तो आज आप लोग को हम वीडियो में शो करने वाले हैं दोस्तों एड्स द पर सेल्फ क्लिक कैसे कर पाएंगे आप लोग, वो भी अपने मोबाइल फोन से। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम डेली आप लोगों को डेस्कटॉप पर किस तरह से ट्रैफिक जनरेट करना है, सेल्फ क्लिक कैसे लेना है एडसेरा की डायरेक्ट लिंक पर, ये शो करते आ रहे थे। लेकिन आज आप लोगों को मोबाइल फोन पर लाइव एंड यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल सेल्फ क्लिक कर बताएंगे और आप लोगों को एडसेरा की जो डायरेक्ट लिंक है उसको आप लोग कॉपी कर अपने मोबाइल फोन पर कैसे पेस्ट कर और वहां पर सेल्फ क्लिक करेंगे, जिसे एडसेरा को पता भी नहीं लगेगा कि आप लोग सेल्फ क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आपको शो करते हैं कि सेल्फ क्लिक करने का मेथड, रियल मेथड क्या है, वो भी मोबाइल फोन से। क्योंकि हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप लोग इस वीडियो को जाकर देखिए, इस वीडियो में सेल्फ क्लिक के बहुत सारे आप हमें कमेंट्स आ रहे थे। यहाँ पर एंड्रॉइड के लिए बताए तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे मेथड यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। और आगे हम एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं जो कि सेल्फ क्लिक के रिलेटेड है। एक ब्राउजर आपको शो करेंगे जो कि अपने मोबाइल फोन में आप रन करेंगे और वहां पर सेल्फ क्लिक करेंगे, सब कुछ आपको उस ब्राउजर में मिल जाता है। वो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, लेकिन ये एक वीडियो इंट्रो है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को ये भी सेल्फ क्लिक का ही मेथड है, लेकिन आप लोगों को ये सिर्फ इंट्रो है। आगे एक और बेस्ट मेथड आपको शेयर करने वाले हैं जो कि यहाँ पर हम अपने इस वीडियो में डेस्कटॉप के लिए बताए थे, लैपटॉप के लिए, मोबाइल फोन के लिए नहीं बताए थे, और मोबाइल फोन में ये मेथड वर्क भी नहीं करता है। तो इसलिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जो कि मोबाइल फोन पर आप एक ब्राउजर को यूज करके सेल्फ क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपको शो करते हैं कि आज आप लोग कैसे यहाँ पर सेल्फ क्लिक करेंगे अपने मोबाइल फोन से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रखे है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। एंड दोस्तों हमें इंस्टा पर भी जाकर आप लोग फॉलो करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को ऑन कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दो एप्लीकेशन की जरूरत है। पहले तो है ये वीपीएन की दोस्तों, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर 111 वीपीएन है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर में बहुत ईजी मिल जाएगा। एंड फायरफॉक्स आप लोगों को नॉर्मल फायरफॉक्स यूज नहीं करना है दोस्तों। हम इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, आप जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को फायरफॉक्स में एक यूज़र एजेंट मिल जाता है, उसको आप लोगों को वहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड कर लेना, इसके अंदर ऑलरेडी रहेंगे, बस आप इसको जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। हम टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, वहाँ से इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे। वीपीएन जो है इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर प्ले स्टोर में शो हो जाएगा, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को बस इसको ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही करेंगे आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, आपको इसको ऑन करना है बस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन मिल जाता है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का ये बटन रहेगा, इसको आप लोगों को बस ऑन करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड ऊपर के साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को एक 1 बोलकर दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, ऊपर के साइड तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर वो आप लोगों को ऑन हो गया है। वहाँ पर 1.4 भी पर दिखा रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑन हो गया है, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर मिनिमाइज कर देंगे। अब हम यहाँ पर फायरफॉक्स को ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फायरफॉक्स जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर इस यूजर एजेंट के बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एक प्राइवेट ब्राउजर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा एंड यहाँ पर ऊपर के साइड आपको एक सर्च बार भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, एडसेरा पर जाना है। एडसेरा पर जाकर आपको लॉग इन करना है, डायरेक्ट लिंक के ऑप्शन को ओपन करना है एंड यहां से आप लोगों को एक डायरेक्ट लिंक को कॉपी कर लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट लिंक है हमारा, उस पर से हम क्लिक करके यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर से कोई भी लिंक कॉपी कर लेगा। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, कॉपी करने के बाद अब इसको यहाँ पर मिनिमाइज कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मिनिमाइज पर क्लिक कर इसको यहाँ पर आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाएंगे हम फायरफॉक्स के ब्राउजर पर। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी जो लिंक कॉपी किए थे एडसेरा की, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पेस्ट का ऑप्शन है, इसको पेस्ट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये पेस्ट हो गया है और यहाँ पर ये ओपन भी हो रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ पर वीपीएन भी अभी ऑन है, देख सकते हैं ऊपर के साइड यहाँ पर आपको 1 नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वीपीएन ऑन है, थोड़ा वेट करिए दोस्तों। यहाँ पर जो ऐड है अभी लोड ले रहा है, लोड लेने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये ओपन करेगा और यहाँ पर हम कोई भी आपको कट कर या आप स्किप कर नहीं बताएंगे, लाइव यहाँ पर आप लोग को ओपन कर बताएंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करिए, यहाँ पर ये अभी के लिए ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आप लोग को यहाँ पर सामने ऐड ओपन होकर आ जाएगा और थोड़ा वेट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अभी ये ओपन हो रहा है। ठीक है,
देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऐड ओपन होकर आ गया है। इस तरह का ये ऐड तरह का ऐड यहाँ पर शो होता है, आप लोग को पता ही है। देख सकते हैं यहाँ पर लिंक भी है एंड यहाँ पर ये ऐड भी आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक दो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों की अर्निंग क्या है, यहाँ पर रेवेन्यू ज्यादा होंगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चा आ रहा है, यहाँ पर यानी कि आपको सर्वे आ गया है। ठीक है दोस्तों, सर्वे को भी आप यहाँ पर फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पर कोई भी देख सकते हैं, कुछ पर भी आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या है क्लिक काउंट हो जाएगा। ठीक है, एक और बार हम यहाँ पर आप लोग क्लिक यहाँ पर लिंक डालकर बताते हैं दोस्तों, क्लिक करके बताते हैं। ठीक है, आप लोग के सामने लाइव यहाँ पर ओपन कर बता रहे हैं। और ये वीपीएन दोस्तों एड सर का ऐड को ओपन करता है, शो भी करता है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग दूसरे वीपीएन पर देखेंगे तो वो ओपन नहीं करता है, वहां पर आप लोग को प्रॉब्लम बताता है, प्रॉब्लम फेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीपीएन क्या है दोस्तों, 100% आप लोगों का एडसरा जो है एडसरा का लिंक यहाँ पर सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को फायरफॉक्स पर ही काम करना है। नेक्स्ट क्लिक लेने से पहले दोस्तों आप लोगों को एक सेटिंग यहाँ पर करना है। पहले तो यहाँ से आप लोग को क्या करना है, बैक आ जाना है। अभी हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। ठीक है, बैक आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, एक यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर जाकर एक यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक सेटिंग कर देना है। जैसे कि अभी यहाँ पर थोड़ा वेट करिए, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा बैक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इस 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे के साइड सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आप स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट ब्राउजिंग डेटा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है यहाँ पर डिलीट ब्राउजिंग डेटा, इस पर भी आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर भी आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फिर से आप लोग बैक आ गए यहाँ पर सेटिंग्स पर। अब यहाँ पर आप लोग इस तरह से करना, जब भी आप दूसरी क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, एक क्लिक कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग करना है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से हम एड्स तरह पर आकर यहाँ पर दूसरी लिंक को कॉपी करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इस लिंक को कॉपी करेंगे एंड फायरफॉक्स को यहाँ पर कट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, मिनिमाइज से भी यहाँ पर इसको हटा देंगे एंड यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं फिर से इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर एजेंट पर क्लिक करेंगे, फिर से यूजर एजेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर आएंगे सर्च बार पर, अब यहाँ पर हम लिंक को पेस्ट करेंगे जो इस तरह के लिंक कॉपी करे थे एंड यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर सर्च पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये ऐड देख सकते हैं ओपन होकर आ जाएगा फिर से दोस्तों। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी, जैसे कि आप लोग को डेस्कटॉप पर आपको होता है दोस्तों, और कई बार मोबाइल में भी होता है कि आप लोग एक बार एक ही डिवाइस में आप लोग ओपन करते हैं लिंक तो ओपन नहीं होता है, वहां पर एडसेरा डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, इस तरह का आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आता है। देख सकते हैं यहाँ पर ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक कर कर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से ऐड ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों इस तरह से। ठीक है, फिर आप लोग इस क्लिक को क्या करिए, कंप्लीट कर लीजिए, इस पर यहाँ पर क्लिक करिए। ठीक है, स्पिन बोल कर देख सकते हैं यहाँ पर स्पिन आ जाएगा, इस पर स्पिन नाउ पर क्लिक करेंगे, इस टास्क को आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। फिर दूसरा लिंक आप लोग क्या करना है दोस्तों, इस तरह से करना है, आपको बैक आ जाना है। आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर करना है 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस करना है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिलीट ब्राउजिंग डेटा है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर यहाँ पर आप पूरा ब्राउजिंग यहाँ पर डिलीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर काम करना है। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पिछले वीडियोस आकर आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को सेल्फ क्लिक के मेथड बताए गए हैं, ऑर्गेनिक मेथड भी बताए गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर अपने एडसरा की जो डायरेक्ट लिंक है उस पर कहीं समय से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको एक भी क्लिक नहीं मिल रहा है कहीं से भी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे यूजफुल वीडियोस है, आप लोग आकर देखिए। अगर खुद से आप सेल्फ क्लिक करना चाह रहे हैं तो सेल्फ क्लिक के वीडियो देखिए, आप लोग को यहाँ पर कम है सेल्फ क्लिक के वीडियो, लेकिन थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपको यहाँ पर चैनल पर आकर, और बहुत ही यूजफुल वीडियोस है वो दोस्तों सेल्फ क्लिक के। ठीक है, और दोस्तों आप लोग इन वीडियोस को जाकर जरूर देखिए, हम इंस्टा पर भी जाकर जरूर फॉलो करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे वॉचिंग माई वीडियो।